इस सीएसजी फाइल की अगर बात करूं मैं, चलिए तो सबसे पहली जो फाइल मिलेगी वो मिलेगी ईएक्सटी सीएसजी, जिसे अगर मैं बात करूं यूएफआई भी ईएक्सटी सीएसजी बोलता है और इजी जेटैक भी ईएक्सटी सीएसजी बोलता है। अच्छा हाथ नीचे कीजिए, आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सब में, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। दो बार, अरे वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड, सात बार, वेरी गुड, दो बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, छह बार किया आपने, चार बार किया है, वेरी गुड, इसमें से दो बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों मेरे इस चैनल पे आपको मोबाइल रिलेटेड सारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लस ईएमसी रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, उसके सॉल्यूशंस, चाहे वो डेड मोबाइल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से डेड हो या फिर हार्डवेयर से डेड हुआ हो या फिर ईएमसी से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट हो, और स्कीमेटिक कैसे आपको रीड करना है, कैसे यूएफआई बॉक्स यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे इजीटैक बॉक्स को आपको यूज़ करना है, इन सारी रिलेटेड अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो डायरेक्टली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों यहां पे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये एक ईएमसी रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे आज डम्प फाइल क्या होती है और उसे कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर कौन सी फाइलें आती हैं। तो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ और इसे पूरा सा देखिए और पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं डंप फाइल। डंप फाइल क्या है दोस्तों, अगर बात करें तो यूएफआई क्या बोलता है डंप फाइल को, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो डंप फाइल के रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों ये डंप फाइल के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले डंप फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं यूएफआई के सपोर्ट से या फिर इजी जेटैक के शेल से डाउनलोड कर सकते हैं आप या यूएफआई के सपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डंप फाइल होती है दोस्तों, ये बेसिकली जब पहले यूएफआई या फिर इजी जेटैक प्लस बॉक्स नहीं था उस टाइम पे पार्टीशन वगैरह बनाने के लिए, रिप्रोग्राम करने के लिए, जो डेड आपका ईएमसी हो जाता है, बिल्कुल ही टोटली डेड हो चुका है वैसे वाला ईएमसी को फिर से उसके पार्टीशन रिपेयर करने के लिए ये डंप फाइल का यूज़ किया जाता था। और पहले वाला जो इजी जेटैक बॉक्स था उसके अंदर आपको रीड बाय वेंडर और राइट बाय वेंडर, ये दो ऑप्शन आपको पहले के जेटैक बॉक्स में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम जो है ना अभी डंप को पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अभी हम चाहे डंप से हम पार्टीशन बना सकते हैं या फिर हमारी जो ओनली फ्लैश फाइल को लेकर के हम सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग, जिससे आपके पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे और कई सारे ऐसे मोबाइल है जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन जाएगी, जिसे हम लोअर पार्टीशन बोलते हैं। लोअर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको डंप फाइल की ज़रूरत पड़ती थी और अभी फ्लैश फाइल के जरिए भी ये सारी चीज़ हो जाती है। और भी अगर मैं बात करूँ आपको डीपली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो दोस्तों डंप फाइल बेसिकली उन हैंडसेट के लिए अभी लगती है जो कि किसी मोड पे आने के बाद फ्लैश होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ डंप फाइल की, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल जो होता है ये डाउनलोड मोड पे आने के बाद फ्लैश होता है, डाउनलोड मोड। नॉर्मली अगर आप फ्लैश करना चाहो तो ये मोबाइल फ्लैश नहीं होगा, इसे डाउनलोड मोड पे लाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से मैं LG का फोन ले लूँ,
LG का फोन भी आपको डाउनलोड मोड पे लाना पड़ेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैंडसेट है जैसे यूफोरिया वगैरह, अगर आप फ्लैश करना चाहते हो तो उसे वो जैसे CBP फाइल से आप फ्लैश करते हैं, तो ऐसे हैंडसेट को आपको डाउनलोड मोड पे लाना पड़ता है। तो इन हैंडसेट के लिए पहले जो डाउनलोड मोड पे आता है उसके बाद आने के बाद फ्लैश होता है, ऐसे हैंडसेट को आपको पहले डंप से पहले डंप आपको राइट करनी होगी, इसके बाद आपको फ्लैश फाइल राइट करनी होगी। डंप डालने के बाद आपका मोबाइल आ जाएगा डाउनलोड मोड तक, उसके बाद आप निकाल के अगर सैमसंग का हैंडसेट है तो ओडिन से फ्लैश कर सकते हैं, LG का हैंडसेट है तो फ्लैश टूल से कर सकते हैं, या फिर उसका LG कंपेनियन जो टूल आता है उससे कर सकते हैं। अगर वही बात करूँ आपको, अगर यूफोरिया वगैरह का हैंडसेट है तो जैसे वो डाउनलोड मोड पे आ जाता है तो आप उसे CBP वगैरह फाइल से फ्लैश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डंप के अंदर होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट हैंडसेट है या जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए हैंडसेट आ रहे हैं, अगर हमारे पास UFI या फिर EasyJetAg प्लस बॉक्स है तो दोनों को लेकर के हम बस फ्लैश फाइल से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें आपको डंप फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डंप फाइल जब हम डाउनलोड करेंगे, जैसे ही डंप फाइल डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैं डंप लिख देता हूँ, ये एक डंप फाइल हो गई। और यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप डंप फाइल डाउनलोड करोगे, डंप के अंदर आपको क्या क्या फाइलें मिलती है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल आती है EXT CSD फाइल, एक फाइल मिलेगी, दूसरी मिलेगी। और ये EXT CSD फाइल की अगर बात करूँ मैं, चलिए, तो सबसे पहली जो फाइल मिलेगी वो मिलेगी EXT CSD, जिसे अगर मैं बात करूँ UFI भी EXT CSD बोलता है और EasyJetAg भी EXT CSD बोलता है। दूसरी मिलेगी यूजर एरिया UFI बोलता है, इसी को ROM1 EasyJetAg बोलता है। यूजर एरिया बोलता है, EasyJetAg ROM1 बोलता है। इसी तरह से अगर बात करूं मैं तो बूट वन UFI बोलता है और ROM2 EasyJetAg इसी फाइल को बोलता है। अगर मैं बात करूं आगे, बूट टू UFI बोलता है और ROM3 EasyJetAg बोलता है। इसके अलावा भी और भी एक फाइल मिलेगी आपको कभी कभार RPMB, ये दोनों में UFI में भी RPMB बोलेगा, EasyJetAg में भी RPMB बोलेगा। और भी फाइल आती है GP वगैरह की, उसके बारे में और भी सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम आप जब डंप डाउनलोड करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चार फाइलें आपको डाउनलोड आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये डंप फाइल होता क्या है बेसिकली, एक फ्लैश फाइल अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये एक फ्लैश फाइल से ही बना हुआ डंप होता है, फ्लैश फाइल बोल लीजिए आप, या फिर डंप से बनी हुई फ्लैश फाइल है या फ्लैश फाइल से बनी हुई डंप है, ये दोनों में एक ही चीज़ है। चाहे आप इससे प्रोग्रामिंग करो चाहे इससे प्रोग्रामिंग करो, जो आपके पार्टीशन। लेकिन डंप में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली अगर फुल डंप होता है तो उसके अंदर आपको एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन भी बन जाती है, एंड्रॉयड की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपका मॉडल नंबर है, मॉडल है आपका ओप्पो ले लो या रियलमी ले लो, जो भी आपका ओप्पो वीवो मॉडल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका वर्जन आ जाता है, सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, डंप आपका यूज़ होता है आपको पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। अगर से मैं बात करूँ आपको, UFI और EasyJetAg प्लस अगर आपके पास है तो आप फ्लैश फाइल से आप प्रोग्राम कर दोगे तो आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा, और कई सारे ऐसे मोबाइल हैं जो ऑन हो जाते हैं, और कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो बाद में फिर एक बार आपको फ्लैश करना पड़ता है। तो ये डंप फाइल पहले उन हैंडसेट को यूज़ किया जाता है जो किसी मोड पे आने के बाद फ्लैशिंग के लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉलकॉम का हैंडसेट तो डायरेक्ट EDL में आप कनेक्ट कर दो वो फ्लैश हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं MTK का कोई हैंडसेट की बात करूँ, नॉर्मली आप वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों एक साथ, जैसा ओप्पो F1S है, दोनों एक साथ मिला के आप जब प्रेस करके केबल लगाते हैं USB लगाते हैं तो वहाँ पे वो पोर्ट बनाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें क्या होता है, डंप के अंदर उस हैंडसेट को यूज़ होता है डंप जो के किसी मोड पे आता है, जैसे डाउनलोड मोड में आने के बाद। तो सैमसंग का जैसा हैंडसेट है आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए उसे पहले डंप राइट करना होगा, बाद में उसे निकाल के ओडिन से फ्लैश करना होगा। LG के कुछ हैंडसेट ऐसे और भी काफ़ी सारे हैंडसेट है, ये मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ओवरव्यू वीडियो दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है, इसकी सारी डिटेलिंग हमारी क्लास में बताते हैं। EXT CSD फाइल क्या है, यूजर एरिया को मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज लिया है, यूजर एरिया क्या है और बूट वन क्या है, बूट टू क्या है, RPMB क्या है, इसलिए किस
किस फाइलों से ये, कि ये फाइलें क्या काम करती हैं, किस लिए ये पार्टीशन बनाए जाते हैं, और कैसे आपको लोअर पार्टीशन बनाना है, कैसे अपर पार्टीशन बनाना है, कैसे आपको, और कैसे आपको उसकी हेल्थ सही करना है, कैसे आपको, अगर मैं बात करूँ बूट वन और बूट टू का साइज़ कैसे चेंज करना है, रोम टू रोम थ्री का साइज़ कैसे चेंज करना है, और यूज़र एरिया कैसे आपको अपग्रेड करना है, 8 GB से 32 GB, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कैसे कर सकते हैं, किसी में हम रैम भी चेंज कर सकते हैं, रैम का साइज बढ़ा सकते हैं, किसी में रोम का साइज बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी डिटेलिंग है। ये वीडियो हम हमारे स्टूडेंट और हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए दे रहे हैं जो कि UMC सीखना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्लास में किस लेवल का आपको UMC सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, आपको डंप वगैरह जो कि ऑनलाइन में यही सारी चीज़ें आपको 3 दिन की 4 दिन की क्लास में बताते हैं, और यही चीज़ को आपको खींच के बताते हैं 3-4 दिन में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, 10 दिन पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि UMC रिलेटेड फॉल्ट है या हार्डवेयर रिलेटेड फॉल्ट है, कि आपको डंप कौन सा डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कितने MB का, कितने GB का डंप डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें हैं। कई सारे एंड्रॉइड हैंग ऑन लोगो हो जाते हैं, गलत फाइल से फ्लैश करने से प्रॉपर बूट मोड में चले जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फ्लैशिंग में एरर आ जाता है, कब कब कौन सा एरर आता है, तो एरर के हिसाब से हम आपको सोल्यूशन देते हैं, शॉर्टकट और बहुत ही इजी मेथड बताते हैं कि एरर के हिसाब से आप डायरेक्ट उस सोल्यूशन और डायरेक्ट उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये डंप और ये फ्लैश फाइल को लेकर के आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये सारा आपको डंप बोलते हैं, आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या UEFI इजी अटैक दोनों में आपको मिल जाएगा सपोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना था कि डंप के अंदर क्या क्या आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज होते हैं टेक्नीशियन के, एक डंप डाउनलोड करते हैं तो कभी रोम वन मिल रहा है, तो कभी यूजर एरिया मिल रहा है, कभी रोम टू मिल रहा है, तो कभी बूट वन मिल रहा है, कभी बूट टू मिल रहा है, तो कभी रोम थ्री मिल रहा है, कभी RPM भी मिल रहा है, कभी GP मिल रहे हैं उसमें, तो स्टूडेंट ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि UEFI में अलग दे रहा है, EasyTag में अलग दे रहा है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नाम अलग है लेकिन फाइलें सब एक ही है। आप UEFI की फाइल EasyTag में डाल सकते हैं, EasyTag की फाइल आप UEFI में यूज़ कर सकते हैं, दोनों की फाइल कोई इसमें प्रॉब्लम कोई इसमें ऐसा अंतर नहीं है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है दोस्तों, डंप के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और भी बहुत सारी डिटेलिंग है इसके अंदर कि कौन सा हैंडसेट कौन से फाइल से किससे बूट होता है, किससे आप वो बूटिंग मोड में जाता है, कैसे वो बूट होता है, किसी किसी में रोम टू से होता है, किसी में रोम थ्री से होता है, किसी में यूज़र एरिया से बूट होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। EXE/CSG फाइल क्या है, किस चीज़ से बनी होती है, उसमें क्या क्या डिटेलिंग है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और लाजमी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। स्मार्ट टेलीकॉम वन को आप सब्सक्राइब करें, टेक्निकल फिरोज को आप सब्सक्राइब करें, एशिया टेलीकॉम देवरत्न अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब करें, ये सारे हमारे एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट के सारे ऑफिशियल चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लें। नई नई वीडियो हम हर 2 दिन में डालते रहते हैं यहाँ पर, जैसा कि अभी लॉकडाउन है और हम हर डेली डेली अपडेट डाल रहे हैं, डेली 2 वीडियो 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है, सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, आप उनमें से आप लोग हाथ उठाओ, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है बात, ठीक है, अच्छा दिखानी चाहिए अगले, आप किन किन ने वन टाइम CPU निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम CPU निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना, 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने, 3 बार 2 बार नंबर बोलते रहो, 2 बार नंबर बोलते रहो बस, 14 बार क्या बात कर रहे हो, इतना 2 बार किया ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है, कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए, किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में CPU निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए, तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो,
30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार। 6 बार? 5 बार। 6 बार? 6 बार सर। 5 बार। 7 बार? 2 बार। बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार। 5 बार। 4 बार? 2 बार। 6 बार? 6 बार? 5 बार सर। 5 बार? 5 बार सर। 3 बार? 2 बार। 2 बार? तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा? मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.